सभी व्यूअर्स को गुड मॉर्निंग और राइजेस क्रिप्स चैनल में वेलकम, यू ऑल आर वेलकम। तो आज निकल रहे हैं हम बनारस के लिए बाय रोड। इतने दिनों के बाद कोरोना से छुपते छिपाते हम निकले। 21 जून है, बीच में बारिश और बादलों से भी मुलाकात होगी और फिर बनारस से एक नाइट का स्टे है और उसके बाद हम निकलेंगे बोकारो स्टील सिटी के लिए और फिर देखते हैं वहाँ से कहीं और भी हम जाएंगे। तो फिलहाल तो अभी हम, मैं और मेरी वाइफ, हम लोग थोड़ा उम्र दराज तो ज़रूर हैं लेकिन नौजवानी की भी कमी नहीं है। चलिए निकलते हैं सेक्टर 78 नोएडा। लुकिंग फॉर एनी पॉसिबल लीकेज इन द जस्ट चेकअप बिफोर स्टार्ट ऑफ द जर्नी। सो एवरीथिंग चेक्ड, रेडी फॉर द स्टार्ट ऑफ जर्नी। नाउ वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स यमुना एक्सप्रेस वे। स्ट्रेट परी चौक जाता है, लेफ्ट यमुना एक्सप्रेस वे एंड इट्स ब्यूटिफुल सनराइज। टाइम इज 6 AM मॉर्निंग। अभी यमुना एक्सप्रेस वे से हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे से हम यमुना एक्सप्रेस वे में एंटर कर रहे हैं। ये है जेवर क्रॉस प्लाजा, फास्टैग करते हैं साथ में जाते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस, हाँ यहाँ से लेफ्ट, ये ऊपर वाला आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है। आने के टाइम ऊपर से लेफ्ट से पहली बार जा रहे हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। रंगत तो अच्छा है या अखिलेश यादव के टाइम का बना हुआ है। इसमें आगे चल के ना एक रनवे भी मिलेगा, 3 किलोमीटर का रनवे है और सैफई के आसपास। तेज हो गया एसी, तेज हो गया। क्यों रुके हुए हैं? बस चल रहे हैं अभी सैफई के पास, फूड कोर्ट पे हम लोग रुके हुए हैं। मैं घर से लाया, नाश्ता किया, अब करके अभी ऑयल फिलिंग कर लेंगे, उसके बाद निकलेंगे आगे सफर में लखनऊ के लिए। ये है रनवे, इमरजेंसी रनवे। कितना किलोमीटर है ये? मेरे ख्याल से 3 किलोमीटर का है और इस पे फाइटर जेट्स वगैरह लैंड कर सकते हैं इमरजेंसी में, उनके रेगुलर डिफेंस एयरपोर्ट्स बॉम्बार्डिंग में। इसका क्या रोड का दूसरा चीज होता है मटेरियल? इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, हाई स्पीड से लैंड करता है ना, ज़्यादा रफ नहीं होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। ये बीच में जो डिवाइडर है, ये डिवाइडर रिमूवेबल है, हटा देता है जब इमरजेंसी लैंड, तो वॉर वगैरह में ये काम आ जाएगा। लखनऊ इंटर कर रहे हैं एक्सप्रेस वे, लखनऊ पहुंचे। रायबरेली है, रायबरेली में क्या बारिश हो रही है, गाड़ी की स्पीड है एकदम स्लो, तेज बारिश। एक छोटा सा पंगा भी हो गया एक टॉल बूथ पे, मेरा फास्टैग काम नहीं कर रहा। तो ये फास्टैग थोड़ा पुराना फास्टैग है जिसमें चेसी नंबर इंडिकेटेड था और कार का नंबर इंडिकेटेड नहीं था, उसकी वजह से टॉल बुक दे नहीं रहा। पूछ लीजिए सुल्तानपुर।
लखनऊ से इलाहाबाद का रूट, रूट तो ओके ओके है, ट्रैफिक काफ़ी हैफजार्ड है, ड्राइविंग का कोई चार्म नहीं है। अब हम इलाहाबाद से वाराणसी जा रहे हैं, ये रोड अच्छे हैं। वाराणसी बोकारो एंड रूट, जंगल का नजारा, वाइंडिंग रूट से बीच बीच, अच्छा मौसम भी बढ़िया है, बादल छाए हुए हैं, शॉर्टकट है, 56 किलोमीटर का शॉर्ट पड़ता है, और यहाँ से डुमरी जाके फिर डुमरी से जीटी रोड यानी H1 पकड़ के फिर वाराणसी, वाराणसी ओवरनाइट स्टे है, और फिर वहाँ से फिर नोएडा की ओर निकलेंगे। बेसिकली ये कोल फील्ड एरिया है, रोड्स अच्छे हैं, झारखंड के ओवरऑल रोड्स अच्छे हैं। अभी हम बेरमो क्रॉस कर चुके हैं, यहाँ से तकरीबन 28-29 किलोमीटर डुमरी है। बोकारो से वाराणसी गूगल दिखा रहा है
9 hours 8 minutes की जर्नी, और बोकारो से डुमरी 1 hour 30 minutes। जैसे आज 27 जून संडे है और झारखंड में संडे इज टोटल लॉकडाउन, यानी इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल और इन सभी चीज़ों के लिए भी ई पास लेना जरूरी है आज के डेट में। देखिए से 1 जुलाई तक अभी लॉकडाउन चलेगा झारखंड, और झारखंड से बाहर निकलने के लिए भी ई पास आप ले सकते हैं। अभी ये पोजीशन है, सुबह 6 बजे हम लोगों ने बोकारो से स्टार्ट किया, अभी टाइम हो रहा है 7:18। यही पोजीशन है, वो एक ट्रक साइड में खड़ा कर दिया, उधर से ट्रक वाला आ रहा है, ट्रक वाला रोकना नहीं चाह रहा, हैवी व्हीकल है, ब्रेकिंग में उनको कष्ट होता है। बोकारो हम लोग 6 बजे निकले मॉर्निंग में, और बनारस इंटर करके 2:30 बजे, यानी तकरीबन 9 घंटा के करीब लग गया। आज संडे है तो यहाँ पे भी शॉप्स वगैरह का लॉकडाउन है, और नाउ वी आर गूगल इज नॉट शोइंग करेक्ट पिक्चर। वाराणसी से नोएडा के लिए निकल रहे हैं, कानपुर इटावा होते हुए ये रूट है, बट वाराणसी से निकलना थोड़ा सा टफ हो जा रहा है, गूगल मैप भी ढंग से गाइड नहीं कर पाता है, और यहाँ लोग कंफ्यूज करते हैं पूछने से कि रायबरेली लखनऊ होते हुए भी रोड है, मतलब चलिए देखते हैं। वाराणसी से निकलते समय ये H1 काफ़ी अच्छा रोड बना हुआ है, इस रोड नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे में जो डिफरेंस समझ में आता है, इसमें गाय और कुत्ते ये दो बड़े खतरनाक चीज़ हैं, कुत्ता कहीं बैठा हुआ मिलेगा, अगर आप सावधान नहीं हुए तो आप ही के तरफ कार के तरफ मुड़ जाएगा या बाइक के तरफ मुड़ जाएगा या भागेगा, और अगर आप हाई स्पीड में हैं तो फिर तो आप समझ लीजिए क्या होना है, कुत्ता तो जाएगा ही आपको, आपकी कार और व्हीकल को भी डैमेज करेगा। वैसे ही गाय का भी है, गाय बीच डिवाइडर पे चलती हुई पाए जाते हैं, और गाय को कहीं सांप दिखा या कोई ऐसा कीड़ा काटा वो उछल जाए, उछल के अगर आप एकदम डिवाइडर से चिपक कर चल रहे हैं तो फिर मुश्किल, काफ़ी मुश्किल हो सकता है। इन हाईवेज पे बहुत हाई स्पीड अगर आप चल रहे हैं या हाई स्पीड में चल रहे हैं तो डिवाइडर से चिपक कर ना चलें, बीच वाले लेन में चलें, जब भी डिवाइडर के पास आने की ज़रूरत हो तो अपनी स्पीड को कम कर लें, मेरा तो ये एडवाइस है। ये रोड काफ़ी अच्छा है, चलिए आगे देखते हैं रोड कैसा है। हेवी व्हीकल्स काफ़ी हैं इसमें, होना भी चाहिए, उन्हीं लोगों के लिए रोड बना हुआ है, कमर्शियल एक्टिविटी होगी तभी तो रोड का कोई मतलब है। ये है वाराणसी टू कानपुर हाईवे H1। बनारस से स्टार्टिंग में तो काफी अच्छा, काफी बढ़िया हाईवे बना हुआ है एक्सप्रेसवे की तरह, लेकिन अब अभी भी ये 4 लेन है, अच्छा है, सीमेंटेड है,
रास्ते में ढाबा और बाकी ट्रीज वगैरह का इन चीज़ों की कमी है, बट अगेन इट्स गुड। ये इलाहाबाद बाईपास यानी कानपुर जाने के रास्ते में इलाहाबाद बाईपास एक ढाबा मिला है जो कि एक पेट्रोल पंप के बगल में था। पेट्रोल पंप का वॉशरूम यूज़ किया, होटल से लाया हुआ ब्रेकफास्ट यूज़ किया और यहाँ से चाय लिया। ये यादव जी का ढाबा है, बड़ा बढ़िया चाय बना के दिया। यादव जी के यहाँ दूध की क्वालिटी तो अच्छी मिलेगी, मन खुश हो गया चाय पी के। अब आगे की ओर निकल रहे हैं टुवर्ड्स कानपुर, चलिए मिलते हैं फिर। अभी टाइम हो रहा है 12:32, दिन के 12:32 यानी 6:15 बजे 6:30 के आसपास बनारस से निकले। बनारस सिटी से निकलने में तकरीबन 40-45 मिनट लग गए और अब ये हम कानपुर पहुंच गए। I have heard there is a flyover. Yeah, I think this is the flyover on GT Road. This is quite a long flyover. It will be 6 kilometer. देखते हैं कैसा है। अगर ये फ्लाईओवर है तो फिर तो बहुत बढ़िया है और कानपुर सिटी के ट्रैफिक से हम बाहर निकल आएंगे जल्दी, वरना कानपुर ट्रेन से गया था, कानपुर का जो ट्रैफिक है उसे देखकर तो हेडेक होना लाजमी। इतने पतले पतले रोड, अभी भी याद है 80 फीट रोड 80 फीट रोड कुछ ही फीटों का रह जाता है इतने ट्रैफिक है, खास करके टेम्पो वाले परेशान करके रहते हैं। चलिए अब कानपुर से आगे बढ़ते हैं। इस रूट में ढाबा हुआ भी बहुत है ना, काफी है हाँ, और ढाबा इसमें मिलना चाहिए। देखो ढाबा बहुत है, अभी भी तो इतना अच्छा ढाबा पीछे छूटा, उस रूट में नहीं था। इस कानपुर से इटावा का रोड है, काफ़ी बेहतर रोड लग रहा है और इटावा के बाद तो फिर लखनऊ एक्सप्रेस वे मिल जाएगा और यमुना एक्सप्रेस वे होते हुए नोएडा पहुंच जाएंगे, तो आई होप रोड तो अच्छे मिलेंगे। और बट थोड़ा सा ट्रैफिक है और ट्रैफिक थोड़ा बेतरतीब है इन द सेंस कि जहाँ आबादी एरिया है वहाँ पे बाइक वाले ऑटो वाले ये सब इनकी आदत है बीच सड़क में हाफ ऑफ द रोड ये ट्रेवल करते हैं, किनारे नहीं चलते हैं, शायद उनकी बेइज्जती होती है। देखिए ये मैडम परिवार के साथ, एक छोटा बच्चा है वो बाइक स्कूटी स्कूटर चला रहा है, क्या कर सकते हैं। शाम के 4 बज रहे हैं, अब हम लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के एंड पे आ गए हैं। यहाँ से इंटरचेंज करेंगे ताज एक्सप्रेसवे और जहाँ उसे यमुना एक्सप्रेसवे बोलते हैं, वो तकरीबन 160-165 किलोमीटर है नोएडा के लिए। सो अनदर 2 hours टू गो टू नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे का ये एक्चुअल टोल प्लाजा नहीं लग रहा है, ये सिर्फ फर्जी टोल प्लाजा बोलते हैं, ये मैनुअली वर्क होता है और मुझे लगता है आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी या किसी का लैंड यूज किया गया है एक्सप्रेसवे के लिए, एक्सेस देने के लिए यमुना एक्सप्रेस, तो उसके लिए 30-35 रुपये वसूली कर लेते हैं ये लोग। छः बजे शाम को अब नोएडा में एंटर कर रहे हैं और सामने तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है,
राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर नोएडा है। तो इस जर्नी को कंक्लूड करने के लिए बेसिकली मैं इस ब्लॉग के थ्रू रूट को एक्सप्लोर कर रहा था, यानी अगर बनारस जाना हो या जैसे कि मैं बोकारो गया था तो दो रूट इजली अवेलेबल है, एक वाया लखनऊ और एक वाया कानपुर। तो मैं गया था वाया लखनऊ रायबरेली इलाहाबाद होते हुए और रिटर्न हुआ अगेन वाराणसी कानपुर NH-19 और जिसे H-1 एशियन हाईवे 1 भी बोलते हैं। और उसके बाद फिर अगेन लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे एंड यमुना एक्सप्रेसवे, ये रिटर्न जर्नी है। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कंक्लूजन कि अगर किसी को जाना हो तो एक्सप्रेसवे तो ज़रूर पकड़ें, क्योंकि एक्सप्रेसवे यमुना हो या आगरा इट्स अ ड्राइवर्स डिलाइट। और कानपुर H-1 या NH-19 इज फार बेटर, उसमें थोड़ा सा ठीक है ट्रैफिक वगैरह मिलता है और कंस्ट्रक्शन रिपेयर वर्क्स और ये सब चल रहे हैं, वो तो थ्रू आउट अभी इंडिया में चल रहा है एक्सप्रेसवे को छोड़कर, क्योंकि हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गडकरी जी इतना काम कर रहे हैं तो ये सब तो होना ही है। मैं अपने ब्लॉग को यही एंड करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू।